चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को देखिए, एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीडियो काफी लंबी नहीं होगी, छोटी करूंगा। और जिनको पता है कि BHU में ऑनलाइन एडमिशन कैसे करते, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे तो इस वीडियो को देखें और चाहे तो न देखें, अगर इसमें कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज हमने BHU में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि BHU में अवेलेबल हैं और दुनिया के कोने कोने से यहाँ के जो स्टूडेंट है आते हैं ऑनलाइन एडमिशन कराने, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आप BHU में ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैं आज जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ वो सेट के लिए है, यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 का। सेम प्रोसेस आप पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सारे कोर्सेज में सेम प्रोसेस है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेंट लॉगिन पे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो उसमें टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है शुरू में। तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन फोटो फॉर कैंडिडेट का, स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन, और नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए, तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर योर सेल्फ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया, एक पेज खुल गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदक का नाम, मिडिल नाम हो तो मिडिल भर दें, नहीं हो तो लास्ट नाम डाल दें, जो भी हो। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद उसका लिंक चूज कर लेंगे, मेल है फीमेल है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे फादर, उसके बाद मदर, ठीक है। नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल के इसको साइन अप कर देंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, साइन अप करने से पहले आप अपने मेल में भी लॉग इन करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेल को वेरीफाई करेगा। चलिए फटाफट हम इसको फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। चलिए हमने यहाँ पे अपने नाम को और ईमेल आईडी सारी चीजों को भर लिया है। एक चीज का ध्यान देंगे यहाँ पे आप पढ़ लें, नाम के आगे मिस्टर या मिसेज या डॉक्टर वगैरह उपाधि वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए यहाँ से हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है, यहाँ ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डिटेल हमने फिल की उसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं प्लीज चेक योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर कंफर्मेशन। यहाँ से अगर आप कंफर्म कर लें कि आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी है वो सही है, नहीं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर ठीक है तो उसको कंफर्म कर देंगे। तो आप यहाँ से वेरीफाई करने के लिए आपको एक मेल पे मैसेज आएगा, अपडेट हो गया है। अब यहाँ देखिए एक मेल आ गया है, तो चलिए फटाफट यहाँ से मेल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्टिवेशन कोड, ठीक है, किस कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया था वो आ गया, ठीक है। एक्टिवेशन कोड को हमको याद रख लेना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे और जो एक्टिवेशन कोड आया था उस कोड को यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। चलिए हमने इस कोड को डाल के यहाँ से अपने मेल को वेरीफाई कर लिया और ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन जो कि रजिस्टर था वो कंफर्म हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, रजिस्टर कर लिया है, अब यहाँ से हमको अपना लॉगिन कर लेना है, तो यहाँ से साइन अप कर लेंगे। ये हमारा आ गया डैशबोर्ड, ठीक है, ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है। आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड को अपने चेंज कर सकते हैं। अब हमको अपने फॉर्म को पूरे तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ये प्रीव्यू, मेक ए पेमेंट, प्रिंट फॉर्म, एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज खुल गया और हमने सेट के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ सेट पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो है क्लास 6 के लिए था तो क्लास 6 को हम चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पे चेक करेंगे और यहाँ क्वालिफाई कर लिया है, चलिए इस पे आई कंफर्म पे क्लिक करके ऐड कोर्स करेंगे। और ऐड कोर्स करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेल फीमेल, तो CHS के लिए हमने फॉर्म भरा था, मेल कैटेगरी हमारी क्या आएगी, जो भी आपकी कैटेगरी उसको चूज कर लें। और NCC सर्टिफिकेट है, नहीं है तो उस पर नो पे क्लिक कर दें।
कि आप BHU के एम्प्लॉय हैं तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, और आप में शारीरिक विकलांगता है नहीं है उस पर नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, सारी चीजें देख लें, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एज जैसे ही आप डाले होंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट करके एज को बता दिया आपने कि कितनी एज है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस हो उसको यहाँ फिल कर दें, यहाँ सारी डिटेल्स भर दिए, एड्रेस सेम है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एज इट इज़, यहाँ सारा डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है कि कैंडिडेट का फोटोज और यहाँ सिग्नेचर, और उसके बाद यहाँ पेरेंट्स और गार्जियन का सिग्नेचर। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या साइज में चाहिए ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फोटोज की साइज जो होगी 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर की होगी, और सिग्नेचर का जो होगा 100 KB का मिनिमम होगा। चलिए हमने फोटो को स्कैन करके रखा है, उसको यहाँ अपलोड कर देते हैं। फोटोज की साइज के लिए अगर आपको साइज नहीं पता कि आपको कैसे करना है साइज, तो फोटोशॉप में फोटोज को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्रॉप के सेक्शन में जाके सी बटन में दबाएंगे, और क्रॉप के सेक्शन में जाके हाइड वाइड और इस पर क्लिक करने का क्रॉप कर देंगे। चलिए यहाँ से हमने चूज कर लेना है, इसको करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटोज सिग्नेचर सारे ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिर एक बार आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी डिटेल आपने फिल की है वो सारी डिटेल चेक कर लें। डिटेल को चेक करने के बाद आई कंफर्म द अबव पे क्लिक करके सेव एंड पे क्लिक करेंगे, और ये एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बैक टू माय एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ से हमने डैशबोर्ड पे जाना है, और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। रिव्यू आप कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है, ये प्रीव्यू आप कर लीजिए, ये प्रीव्यू आ गया। चलिए अब हमने क्या करना है, इसका पेमेंट करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन की फीस है, जर्नल के लिए 400 रुपये और SC के लिए है, ST के लिए 200 रुपये। चलिए हमको पेमेंट ऑनलाइन करना है, तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करके आप सेलेक्ट पे पे यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन पे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, पे नाउ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और बाकी आपका पेमेंट का यहाँ जो भी ऑप्शन आपके पास हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या हमने जो भी करना हो कर लेते हैं पहले। और यहाँ टोटल यहाँ जो है इंडियन रुपीज़ 408 रुपीज़ का यहाँ पेमेंट आ गया। चलिए हमने अपना नेट बैंकिंग चूज कर लेना, आपकी जो भी बैंक हो उसको चूज कर लें, हमारा ये पेमेंट कन्फर्म हो गया। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से फिर आप अपनी प्रिंट आउट ले लेंगे। तो यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज भी आ गया, बैक टू माय एप्लीकेशन, और यहाँ पे पेमेंट आईडी हमारी ये आ गई। तो होप यू गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की वीडियो थी, और इस वीडियो में कोई कमी होगी तो प्लीज जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। धन्यवाद।